चलो जान दे बैग। हम लोग खा रहे हैं खाना और इधर देखो ठंड बड़ी लग रही है, बोल रहे ठंड बड़ी है आपके इधर। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस लतिका व्लॉग। तो आप आ गए हो वापस मेरे ब्लॉग में। आई होप कि आज का ब्लॉग ठीक रहे क्योंकि आज मैं अकेले वाली हूँ ना, आज पुजारा है घर में। तो गाइस सबसे पहले हमारा जो होता है चाय का मॉर्निंग टी तैयार हो रही है और यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है और अभी हम लोग पिएंगे नहीं, अभी हम लोग पिलाएंगे पहले काना को, क्योंकि मम्मा बोलते हैं काना को पहले भाई। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो वहाँ पे दर्शन करने गए हैं और उनको ध्यान, मतलब उनका ध्यान जो वो पीछे रहे काना की तरफ, क्योंकि वो उनको बोल के गए थे जैसे मैंने आपको कल बताया। तो ठीक है, कैमरा रखने की जगह नहीं मिल रही मेरे को, तो पहले हम लोग काना के लिए जाते हैं दूध, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया हमारा काना के लिए दूध। अभी हम लोग भगवान जी को भोग लगा के आते हैं, साथ में थोड़ी सी पूजा करके आते हैं और तब तक यहाँ पे हमारी चाय जो है वो भी रेडी हो जाएगी, है ना गाइस। चाय देख सकते हो आप, अभी मैं इसमें सौंफ डालना भूल गई। तो ठीक है, मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो गाइस चाय हो गई रेडी। तो आप लोग बोलते हो ना आप छानते नहीं हो, तभी मैं छान रही हूँ। चलिए देते हैं सबको चाय, साथ में करते हैं गुड मॉर्निंग विश, क्योंकि अभी उठे नहीं ना है सारे। बारी आती है हमारी ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में आज हम लोग बनाने वाले हैं आलू बीन्स, ठीक है। तो बीन्स जो है वो मैंने कट कर ली है, धो दी है, अभी हम लोग इसमें डालेंगे आलू और आलू मुझे कट करने हैं अभी। तो कढ़ाई मैंने रख दी हुई है, जब तक इधर हमारी आलू बीन्स की सब्जी रेडी होगी तब तक बाहर हम लोग बना लेंगे, धो लेंगे, कपड़े निकालेंगे मशीन से, क्योंकि बाहर ही है मैंने मशीन कपड़े धोने के लिए। तो बहुत सारे कपड़े जो हैं वो हो गए थे, तो अभी हम लोग वो निकाल लेते हैं और इधर बन जाएगा हमारा आलू बीन्स की सब्जी, जब तक इतने में रेडी हो जाएगी। और फिर मुझे बनाने हैं चपाती टिफ़िन के लिए और खाने के लिए। तो ठीक है गाइस, अभी बढ़ते हैं बाहर की तरफ। और रानी मेरे को कर रही थी कॉल और मैंने कर दी थी मम्मा को कॉल, तो जिसकी वजह से जो है मैं रानी की कॉल जो है वो अटेंड नहीं कर पाई। तो चलो गाइस देखिए कितनी है। ओ गुड मॉर्निंग, ओ सोनिया गुड मॉर्निंग। सिंदूर किन्ने लाया था? ओ दूसरा लगाया पूजा रूम में से, इसलिए हो गया। देख सकते हो आप कपड़े बहुत सारे हमने निकाले हुए हैं। और इधर काऊ देखो कैसे देख रही है हमें, हमारी काऊ है। क्या कहूँ मैं, इसके आगे घास जो है शुभू ने साइड पे रखा हुआ है, मुझे थोड़ा थोड़ा आगे करना पड़ता है पूरे दिन। तो अभी ये देखो, ये लिखा खा खा, क्यूट सी का है, इसको पता नहीं क्या हुआ इधर। हाँ ओ नहीं पसंद आ रहा, ये खाना पड़ेगा 15 दिन। खाओ खाओ, है भी ऊपर करना उसी बिस्किट खिलाने, बिस्किट चल खिला, ये ले खिला। बनाने जा रहे हैं चपाती, पहले हम लोग बनाएंगे भगवान जी के लिए। भगवान जी के लिए हमने अलग से आटा जो रख लिया है। तो यहाँ पे हमारी सब्जी जो है वो पूरी तरह से तैयार है और सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगेगा, उसके बाद हमारे अप्पू को,
नहीं गलत काम नहीं करना, फिर मार पड़ेगी। हमने डाल लिया भगवान जी का भोग, साथ में कौवे के लिए बना दिया, अभी गाय के लिए कुत्ते के लिए बनाना है। सबसे पहले भगवान जी को लगाते हैं भोग। अभी हम लोग लगाएंगे कौवे के खाने के भोग, कौवे के खाने के फुलके को घी। ये आ गया हमारा गाय का, ये आ गया हमारा कुत्ते का, जॉगी का। ये हो गया हमारा कौवे का, कौवे का सबसे पहला वाला होता ना इसी, तो भगवान को वो मैंने लगा दिया। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं। तो इनको पूरी उम्मीद होती है कि किसी ना किसी ने खाना देने आना ही है। हाय हाय, आ तो गई हूँ ना मैं, तेरे को ही देने आई हूँ। मिले पैर भी छूने दिया अगर ना, ये ले तू भी मर जाने। आज हमारा अब्बू जा रहा है अपने घर, कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं, कल जा रहे थे तो एक्चुअली कैंसिल हो गया था क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था, परसों जा रहे थे मतलब, तो फिर कल सैटरडे था इसलिए नहीं गए। तो आज मेरा बच्चा जा रहा है घर, में कैसी कैसी रहूँगी आपके बिना, पहले मेरे को बताना मैं कैसी रहूँगी आपके बिना, बता। तो ठीक है बोल दो गाइज को, बोल गाइज मैं जा रहा हूँ, बोल मैं जा रहा हूँ, जा रहा है कार, बोल मैं कहाँ किसके साथ जा रहे हो? पापे करने जा रहा। ते और फिर उनको दुआना दो बजे बाबू सही है ना बरती है उन आया फिर लाया चक्कर बरती है अच्छा मैं नहीं लेना क्यों है चला मैं भी सच्ची सच्ची कुत्ते बैठा मैं अगे बैठा लाया फिर चक्कर कुसिया खा मैं बैठा मैं ले आई नहीं पापा तेरे आखा नहीं जाना तू मैं ले आ दे मैं कुछ बैठा मैं अगे बैठा मम्मा पीछे बैठा है चल तू बैठी अगे मैं नहीं जाना फिर मैं आपको आगे बैठती ठीक है ठीक है चल तू बैठ बिच लगने इधर के बात सुना फिर बाय कर बाय बोल बाय गाइस बाय गाइस उसे नहीं लेनी चाबी उसे नहीं खोलना वो तेल निकली आता फिर बाहर तेल बाहर निकली आता ना मैं खोलनी है गेट तो कड्डो कड्डी बाय जी जी बारी बंद नहीं हुई आप बाय कख नहीं हुंदा आप बाय रुके मैं आंदी नहीं हूँ
कड्डी बाहर कढ़ लेंगे। तो पुजा रहा अपने घर जा रहा बात सुना जा रहा है, बात नहीं करनी मेरे साथ, मी नहीं लेना है, मैं कुछ बैठा पीछे बैठा, चल बाय बोल फिर बाय, पुछू भी देख पुछू पापा मई कहीं जायो बाय, हाँ नहीं यार पा बाय, ये लोग अप्पू को लाइक करते हैं भाई, अप्पू आज आपका चला गया घर, बट गुड नाइट अप्पू ही बोलेगा आज, क्योंकि कल मैंने ब्लॉग बनाया था अप्पू का रात को, तब मैंने आज वाला ब्लॉग जो वो अपलोड कर दिया था, ठीक है, तो गुड नाइट वाला जो उसका रह गया था, आज रात को भी आपको गुड नाइट जो है वो अप्पू ही बोलेगा आज के ब्लॉग में भी, तो आप ये मत कमेंट करना कि भाई अप्पू तो चला गया था आपका घर तो फिर अप्पू गुड नाइट करने कैसे आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कल वाला ब्लॉग जो है अप्पू का वो मैंने शूट किया था रात को, तब मेरा ब्लॉग जो अपलोड हो चुका था, मतलब पब्लिश नहीं हुआ था बट अपलोड हो गया था, तो गुड नाइट वाला आज आपको मिलेगा अप्पू का रात को। तो ठीक है गाइस, अभी वो चले गए हैं और मेरे को थोड़ा सा काम भी है, बर्तन देख सकते हो आप, बर्तनों का डैम्पर देख सकते हो अभी इतना लगा है, मतलब एक बंदा भी खाना खाने वाला हो ना, पता नहीं यार बर्तन कैसे इतने गंदे हो जाते, मुझे समझ में नहीं आती, और बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा हो गया था आज, मैंने ब्रेकफास्ट भी जल्दी कर लिया, तो कल मेरा फास्ट था, मैं पूरे दिन बस वो एक साबूदाना खाया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो हमारे मम्मा पापा बरसाना से, जैसे आप लोगों ने देख लिया ब्लॉग में, बरसाना से वो लोग आ गए हैं, तो अभी आगे कहाँ जाएंगे ये आप लोगों को आगे दिखाते हैं हम लोग। तो ठीक है गाइस, ये देखिए मेरे न्यू फ्रेंड्स, तो आई डोंट नो कि शी है ही है, बट ना ये मुझे मिली है क्योंकि मैं अकेली हूँ ना, तो ये मेरी फ्रेंड बनने के लिए आई है मुझे कंपनी देने के लिए, तो ये उड़ नहीं रही है यार, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ बाहर पड़ी हुई थी तो मैं ये आ रही थी, तो उड़ नहीं रही है ये, और मैंने इसको बाहर भी नहीं रखा क्योंकि हुआ क्या इसे मुझे ये नहीं पता, बट कांप रही है, तो दिस इज़ माई न्यू फ्रेंड। क्या हुआ होगा इसे गाइस, क्यों नहीं उड़ रही है ये, देखो ना, मतलब उड़ भी रही है पर थोड़ा सा इतना नहीं, देखो उड़ जा, फ्रेंड्स बन रहा है मेरा, हुआ क्या इसको, एक आंख इसकी खुली हुई है, आई थिंक इसकी एक आंख को कुछ हो गया है, आई थिंक ये छोटे छोटे चावल खाती हैं, और इसको पहले पिलाती हूँ पानी क्योंकि काफ़ी घबराई हुई है, चल पहले पानी पीते हैं ठंडा ठंडा, पीना पानी, इसकी एक आंखों को क्या हो गया यार, ये देखो इसकी आंख, ओह शिट, उठ जाओ चल चल चलो, उड़ ही नहीं पा रही, ये देखो क्या कर रही, कहाँ से ले गई, मैं इसको पानी और चावल डालती हूँ अगर ही खाती है तो, इसकी एक आंख को कुछ हो गया और घबराई है शायद इसलिए नहीं उड़ रही, अच्छा अभी देखो पानी पिलाओ, चली गई चली गई चली गई, यार मैंने इसके लिए चावल लाए थे तो चली गई, मैंने सोचा पानी पिलाती हूँ। तो गाइस थोड़े टाइम के लिए बनी मेरी फ्रेंड्स एक छोटी सी चिड़िया, तो फिर से अकेली हूँ मैं, तो ठीक है गाइस, पानी और चावल मैंने यहाँ पे रखे थे, मैंने सोचा चलो उसको खिलाती हूँ, साथ में पानी भी लाती हूँ शायद उसको थोड़ा ऐसे, मुझे यहाँ तक लगता है कि ये गाय वाले रूम में भी फ़ैन लगे हुए हैं ना, उसकी वजह से शायद कुछ डर वगैरह गई थी बट लगी नहीं थी उसको, रब वो चली गई, चलो अच्छा हुआ आज़ाद पंछी। गाइस वेलकम बैक, इवनिंग टाइम, तो आज की इवनिंग ही हुआ, वो चाय के साथ नहीं होगी, वो होगी पोछे के साथ, तो मैं लगा रही हूँ पोछा, चार बज गए हैं, 4:30 हो रहे हैं, और अभी तक मैंने सुबह के बर्तन भी साफ़ नहीं किए, ये देखो देर लगा हुआ और मैं पोछा लगा रही हूँ क्योंकि पोछा लगाना है, मैं सुबह से यही सोच रही थी कि पोछा लगाना है, लगाने फिर दीदी चले गए तो फिर मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया,
फिर मैंने सोचा ये लोग चले जाएंगे, तो उसके बाद जब ये लोग जब ये लोग मैंने सोचा जब लोग मतलब ये लोग घर पहुंच जाएंगे तो तब लगाऊंगी, तो अभी मेरा लग रहा है पोछा। तो अकेले बंदे का घर में काम करने का मन ही नहीं होता यार। तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताएं घर में अकेला कौन कौन है, कौन सी बहू, कौन सी बेटी, कौन सी घर मतलब सास जो अकेली घर में उसको सारा काम जो है वो करना पड़ रहा है और बट उसका मन नहीं होता, मतलब उसके काम का कोई टाइम टेबल नहीं है। तो मैं ऐसी भी एक बेटी बन रही हूँ, तो आज का मेरा सारा जो है टाइम टेबल खराब हो गया क्योंकि ये वो लोग चले गए और मैं चलाती रही फोन। तो अभी 4 बजे मैं लगा रही हूँ पोछा, तो कपड़े मैंने मशीन में डाले थे वो मैंने जल्दी निकाल लिए थे और अभी मेरा पोछे के बाद बर्तन का होगा। वो बर्तन इतने बड़े हुए हैं ना भाई, और सुबह के बड़े हुए, चाय वाले भी नहीं मैंने साफ किए। तो अभी मैंने सोचा कि चाय इवनिंग की जो है वो बाद में होगी, पहले हमारा पोछा हो जाए। तो अभी पोछा सूखेगा तो चाय पियेंगे, अदरवाइज चाय कैंसल। तो ठीक है गाइस, आज आपको एक बात और बताऊं, मैं आज अनरे अनी अनी जी आ रहे हैं आज मेरे, तो वो उनके लिए मुझे बनाना है दम आलू। तो मैंने यही सोचा क्योंकि अनी के फेवरेट जो है दम आलू ही हैं। वैसे तो अनी को चिली पनीर भी पसंद है बट चिली पनीर इतना ज़्यादा नहीं जितने दम आलू है, तो मैं सोच रही थी कि दम आलू ही बना लूँ। तो अभी अभी मतलब डिनर की कोई प्रिपरेशन नहीं मैंने की है, मैंने तो अभी ये वाले बर्तन तक साफ़ नहीं किए। तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि ये लोग गए हैं जम्मू, शुभू और अनी, और अनी जम्मू जाएं और जानीपुर की चाप ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मुझे पता है ये वहाँ से भरपेट खाना खा के मतलब कुछ ना कुछ खा के आएंगे, भरपेट खाएंगे, ये जो भी फास्ट फूड है, चाप होगी हमारी, लेमन चाप होगी हमारी, मलाई चाप होगी, तंदूरी चाप होगी, यानी कि फेवरेट चाप है ठीक है सारी। उसके बाद मोमोज आ गए, तो मोमोज वो मेरे लिए लेके आएंगे, इतना मेरे को पता स्टीम वाले, तो वो मोमोज वहाँ के अच्छे नहीं है, मोमोज वो अखनूर से लेके आएंगे, वहाँ पे बड़े अच्छे बनते हैं एक जगह पे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक दिन खाए थे हमने, शायद मैंने आपको अपने ब्लॉग में बताया भी है, वो भी बड़े अच्छे बनते हैं वो। और मैं बनाऊंगी खाना, और मुझे पता भी है कि ये खाना जो मैं बनाऊंगी ना तो ये लोग खाएंगे कम ही, ज़्यादा वेस्ट ही होगा, बट फिर भी मेरे बनाना है क्योंकि उनकी फेवरेट डिश है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं पोछा लगा के। अगर मैं अकेली हूँ आज, पता नहीं इवनिंग वाली टीम मुझे मिलनी है कि नहीं मिलनी, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मुझे मिले, क्योंकि चाय जो है वो मेरी मेरे लिए तो ऐसे पेट्रोल का काम करता है भाई गॉड। तो मैं बिल्कुल ऐसे थक चुकी हूँ बट मेरा अकेले में चाय पीने का मन नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ कोई मुझे कंपनी दे दो। तो आज मैंने एक चिड़िया को पकड़ा था, मतलब पकड़ा नहीं था वो, मतलब नेचुरली वो मेरे पास आ गई ठीक है। तो मैंने उसको उठाया बट उसकी एक आंख जो है वो पूरी तरह से खराब हो गई थी, 15 मिनट मैंने उसके साथ स्पेंड किए, तो मैंने सोचा चलो इसे कुछ खिला ही देती हूँ, बट वो उड़ी गई, तो अच्छा हुआ वैसे वो उड़ गई। तो ठीक है गाइज, आज मिलती हूँ फिर मैं आपको अभी ही। गाइज तो वापस आ गए हम अपनी चाय के साथ, एक कप चाय बन रही है, एक कप चाय का क्या ही बनाना होता है, एक कप चाय बनती है, एक कप चाय बनानी हो तो दो ही बन जाती है नहीं, और दो के दो में पी जाऊंगी। मैं तो पहले से ही भूखी बैठी हूँ चाय की, क्योंकि मेरा कब से मन हो रहा था मुझे अकेले। तो अभी फाइनली चाय जो है हमारी रेडी है, धुआं छोड़ रही है गाड़ी की तरह। तो ठीक है गाइस, चाय के साथ मिलने हैं आपको, मतलब चाय यार केले पी रही हूँ मैं, आप लोगों को पीनी है, पीनी है तूने पीनी है, तो वो है ना कौन मायरा, क्या नाम था उसका यार, मनायरा पीनी है, तेरे लिए भी बना दूँ, तो बना दिए मैंने, तो अभी मुझे पीनी है। तो ठीक है मिलते हैं। तो देखा बर्तन मैंने साफ सुफ कर दी, साफ सफाई मैंने कर दी सब। चाय के साथ आ गया मेरा बटर कुकीज, तो आ जाओ गाइस चाय भी ले। पहले मैंने बनाई वो खराब भी हो गई, फिर मैंने फिर से बनाई। गाइस अभी मुझे समेटने हैं सारे कपड़े, ये मैंने धोए थे सुबह, अभी सूख गए हैं पूरी तरह से, अच्छे से ड्राई हो गए हैं, और अब मुझे इनको समेट के रखना है अलमीरा में। हालत बड़ी खराब है, मतलब आज मैंने बड़ा काम किया, झाड़ू पोछा, टाइम टेबल बेशक नहीं था पर किया बड़ा, झाड़ू पोछा कपड़े धोए वगैरह वगैरह। तो ये मैं फ्री अभी नहीं हुई हूँ मैं,
आलू मैंने उबाइल करने के लिए रख दिए हैं, आज मैं उबाइल करके बनाऊंगी दम आलू, क्योंकि बड़े छोटे छोटे हैं और मुझे छीलने का मन नहीं हो रहा, तो मैंने इंडक्शन पे रख दिए हैं उबलने के लिए। तो जैसे वो उबलते हैं तो फिर करती हूँ उसका प्रोसीजर स्टार्ट। ठीक है, सो गाइज आलू मैंने उबाइल कर लिए हुए हैं, अभी मुझे छिलके उतारने हैं इनमें से, और इधर मैंने रख दिए हैं चावल, और इधर मलाई पड़ी हुई है दम आलू में डालने के लिए, मैंने दूध से निकाल ली। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है पानी, क्योंकि अनी को जो है वो पसंद नहीं है, अनी को पसंद नहीं है राइस कुकर के चावल, जिसके वजह से मुझे बनाने पड़े पतीले में, क्योंकि अनी को राइस कुकर वाले चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बोलते हैं वो ऐसे बिखरे हुए नहीं होते, और उनको बिखरे हुए चावल जो है वो पसंद है। तो ठीक है, बनाते हैं फिर साथ साथ आपके। सप्पू हमारा चला गया है, तो आज हमारा पूरा घर सुना सुना हो गया, मज़ा ही नहीं आ रहा मतलब अकेले में। आई मिस यू सो मच अप्पू, मतलब इतना शोर करता ना वो किचन में, जब वो किचन में आता है मेरे को बोलता है इधर बिठा दो मेरे को ऊपर सेल्फ के ऊपर, तो कभी कुछ कभी कुछ। आज पूरे रूम्स भी मतलब ऐसे ना बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहा कोई है ही नहीं इधर। तो यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं दम आलू, रखे हुए हैं अभी फ्राई के लिए, फ्राई हो चुकी है वैसे मुझे लगता है। चावल मैंने बना दिए हैं, अभी जब वो आएंगे, दाल साथ में मैंने दाल भी बनाई है, फ्राई हो रहे हैं, टमाटोस नहीं हुए आलू। गाइस यहाँ पे हमारे भगवान जी हैं, अभी मैंने भगवान जी को भी भोग लगवाना है, और पूरा घर ऐसे खाली खाली लग रहा है, रूम भी खाली है। मेरा पुत्र घर में नहीं ना आज, तो यहाँ पे सारी लॉबी खाली है, और बाहर का अंधेरा देख सकते हो आप, इतना अंधेरा हो गया, अभी तक अन्नी और शिब्बू नहीं आए हैं, पता नहीं कब आएंगे ये लोग। आप लोग मतलब पापा वाले ब्लॉग्स को लाइक नहीं कर रहे हो क्या? मतलब आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत कम आया है, बट फिर भी जिन लोगों ने बोला कि अंकल जी ने बहुत अच्छा ब्लॉग बनाया, क्योंकि उनका फर्स्ट ब्लॉग था, तो थैंक यू सो मच। तो कल जो है मैं अपना वाला अपलोड कर रही हूँ, मैं वो डालूंगी, मैं सारा एक बार डालूंगी। मेरा ये था कि अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग एक ब्लॉग बना देते हैं, तो वो यूट्यूब पे जब चला जाता है, मतलब यूट्यूब पे जब हम लोग अपलोड कर लेते हैं, एक मेमोरी सी बन जाती है ना, तो ऐसे मतलब हम लोगों को ऐसे हम लोग शादियों में कभी भी ऐसे बनाते हैं ना कुछ, तो या फिर ये जो हम लोग फ़ोन में रहने देते हैं वीडियोज़, तो वो थोड़े टाइम के लिए, कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम लोग मतलब काफ़ी टाइम पहले जब से फ़ोन स्टार्ट हुए हम लोगों ने इतनी सारी वीडियोज़ बनाई, तो हम लोग सोचते हैं यार हमने ऐसी वीडियोस बनाई थी, मतलब उस टाइम की वीडियोस अगर हमें आज मिल जाएं तो कितना अच्छा होता, बट वो रहती कहाँ थी, मतलब वो निकल जाती थी मेमोरी से ना। तो ये एक यूट्यूब पे वीडियोस का एक होता है कि मतलब ये मेमोरी रहती है, एक हमारी एक सेव मेमोरी है जो हम कभी भी खोल के देख सकते हैं ना ब्लॉग्स में। तो ऐसा था, मैंने इसलिए उनको बोला था कि आप मुझे वीडियोस सेंड करना ताकि मैं बना के रख दूँ, मीन्स ब्लॉग्स में अपलोड जब हो जाएंगी तो कभी भी हम लोग मिस लतिका ब्लॉग्स जो खोलेंगे तो हम अपनी वीडियोस जो वो देख सकते हैं ना, तो तभी मैंने बोला था। तो अभी चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट अगर हुआ, क्योंकि बरसाना में वो लोग गए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, इतना ज़्यादा यहाँ तक कि पापा ने मुझे बताया कि ईयरिंग्स तक निकाल लिए गए ऐसे खींच के, और मतलब कान तक फट गए लेडीज़ के, दो लेडीज़ के वहाँ पे, तो फिर उनको ऐसे स्टिचेस वगैरह लगवाए गए वहाँ पे। मतलब वो बोल रहे जब हम लोग बरसाना में गए तो वहाँ पे ऐसे करके किसी ने हमारे ऊपर कलर फेंका, जिसकी वजह से हमारी आंखों में चला गया कलर, और उसकी वजह से वो लेडीज़ जो है वो नीचे बैठ गई, उनको आगे कुछ दिखा नहीं, तो मतलब किसी ने उनके ऐसे ईयरिंग्स जो है वो खींच लिए गए, जिसकी वजह से उनके कान जो है वो फट गई, मतलब कट लग गया उनको, और फिर उसके बाद उनको जो है वो स्टिचेस लगाए गए, दो लेडीज़ के साथ ऐसा हुआ। ऐसा होता है मतलब बाहर। तो मैंने मम्मा को बोला आप वही सेव रहना, बात गोल्ड की नहीं है, बात ईयर की, मतलब ईयर की है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे ज़्यादा क्राउड है तो बाहर से ही मतलब नमस्कार जो है भगवान जी को कर दो, तो हम सोचते हैं कि हम लोग इतनी दूर से गए हैं तो हम लोगों को दर्शन करके ही जाना है, ऐसा होता है, तो बट वो ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ पे कहीं मेरे आलू ना जल जाए, तो बाकी ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट टाइम, हम लोगों ने भी प्लान बनाया है, बट वहाँ पे जाने का प्लान हमारा भी नहीं है, वो कभी बाहर बाद में देखेंगे, कहीं और हम लोगों ने सोचा है, अगर होता है पूरा तो वो ही, अब मम्मा पापा आ जाते हैं उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो बाकी गाइस
सब बढ़िया चल रहा है। मम्मा मुझे बोल रहे थे कि अकेले तू कैसे रह रही है वहाँ पे, तो मैंने कहा मम्मा अकेले बढ़िया है, मज़ा आता है, मतलब काम करो ना करो है ना कुछ ऐसा मत, काम का कोई चक्कर नहीं है। मतलब फ़ोन बड़ा यूज़ कर रही हूँ मैं आजकल, घर में मैं फ़ोन कम ही यूज़ करती हूँ। ब्लॉग्स हम लोग, मैं वहाँ पे ब्लॉग, मुझे वहाँ पे कंटेंट नहीं मिलता यार सच्ची में बताऊँ तो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बस, मतलब इतना सारा कंटेंट है, इतना सारा कंटेंट है मेरे पास, मतलब बनाती जाऊँ ब्लॉग बनाती जाऊँ, और आप लोग लाइक भी ज़्यादा कर रहे हो ये वाला ब्लॉग, तो बाकी ठीक है वधिया है। और थैंक यू सो मच आप लोगों का प्यार जो आप लोग हमारे ब्लॉग्स को दे रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि बस मुझे ना इंस्टाग्राम पे ऐसी ऐसी वीडियोस आ रही है जब हमारे ब्लॉग्स में वो एलईडी में लगा के देखे जा रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बट उस दिन ऐसा हुआ था, दो तीन लोग थे जिन्होंने मुझे बोला कि, एक तो था शालिनी का कि लतिका जी आपकी ब्लॉग जो है वो अच्छे नहीं है, ब्लर आ रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी, उस दिन मेरा कैमरा जो वो ख़राब था, मतलब मैंने उसको क्लियर नहीं किया हुआ था। थैंक यू सो मच। और दो लोग और भी थे जो ब्लॉग्स हुआ वो वीडियो में, मतलब एलईडी में लगा के देख रहे थे कि आई एम योर बिग फैन, थैंक यू सो मच। तो और बाकी ऐसे प्यार जो वो देते रहो और कमेंट्स करो, मतलब मैं आपके कमेंट्स को बड़ा लाइक करती हूँ, बड़े बड़े वाले कमेंट्स जो आप लोग करते हो कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। आज भी रिया का कमेंट्स आया था, रिया के आगे मुझे नहीं पता क्या था, बट कमेंट्स आया था रिया का कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, और अप्पू इज़ द इनोसेंट वगैरह वगैरह जो भी था, तो थैंक यू सो मच। बाकी एक दिन पहले कमेंट्स आया था कोई सास के रिलेटेड, तो आपकी सास बहुत अच्छी है, तो बाय गॉड वो तो है, टच वुड, मतलब बहुत ही अच्छी हैं, तो बस ऐसा ही रहे। मुझे सच्ची में अपनी मम्मा बहुत अच्छी लगती है, और मैं मिस भी कर रही हूँ, मैंने बोला भी था, मैंने दीदी को बोला था कि हो सके तो इधर आना चक्कर लगाने, क्योंकि मैं अभी अकेली हूँ तो ऐसे टाइम जो है थोड़ा पास होता है, बट सीमा दीदी को टाइम नहीं है, तो ठीक है 19 के बाद पूरी दीदी आ जाएंगी, तो फिर देखेंगे कहीं चलते हैं घूमी करने। तो टेक केयर गाइस, मिलते हैं जब आनी आते हैं, फिलहाल तो मेरे आलू हो गए, आलू हमारे बेचारे गल बुन के आगे बाहर, और यहाँ पे लगी है मेरी दाल को तड़का, दाल बड़ी गनी गनी होगी, और मैंने इतनी बना दी है, देख सकते हो कितनी बड़ी कढ़ाई है ना ये। तो गाइस अभी आ गया है हमारा राहुल जी, राहुल वेयर आर यू, आ गए, ये नहीं आ रहे हैं, कुछ जावा आइए, फिर दरवाजा बंद करिए, मैंने आज स्पेशल सब्जी बनाई है आप लोगों के लिए। ये आ गया हमारा मसाला, और ये आ गए हमारे आलू, तो गाइस आज बड़े टेस्टी बने हैं, क्योंकि आज मैंने बड़ा मन लगा के बनाए हैं। आ गए, यस, और हॉर्न देखने कैसे मारेंगे ये देखना। मैं फुल बनना तू तारा सजना, कल्ला ते कवारा सजना, फेर ना ला दी लारा सजना, मिट्टी दा बन ढेर मिलांगे, हाय नी अपा फेर मिलांगे। गेट नहीं खोल सकते भला, दो बंदे होना अगर एक बंदा उठे गेट नहीं खोल सकता भला। हां जी अनी जी क्या हाल है, नहीं अगर दो बंदे होने तो एक बंदा गेट नहीं खोल सकता। राहुल चली भी गया घर, पता नहीं यार मैं आख्या भी मैं यार किधर होया। वे जी नमस्ते, ए हां तुंदी गोवा खाई भी का पा खाना है, तो मैं आख्या मैं जेले भैया और आंदे ना तो तुसे खिला देना। पुया मेरे लिए क्या लेके आए हो, और मेरे लिए लाई गई है लोटस की क्रीम, क्योंकि इनकी लाड़ी होगी ये काली। ये देख उनके पहले मॉकटेल पिलाना तुसी।
आते आते ही लेट गए। ये आप क्या लेके आए हो? चांप यार, एक कोले दी आंदी थी, गली भी गई दो पैओ। वाओ वेरी नाइस, वाओ थैंक यू अनी। अनी कोई पानी, किश जूस कुछ? नहीं पानी पीना, मॉकटेल बनाई दें पहले, तो पहले मोमो खा ले, स्टीम कर चा वरती सी ठंडे हुई दे। हम लोग फिर से करेंगे स्टीम। अरे यहाँ हमने राइस कुकर में डाल दिया पानी, इसमें हमने ये रखा यार, दो मिनट। अरे थोड़ा पानी के पानी है ना, देखो पानी पाना थोड़ा और। यार काफी जो लगड़कियां की हुई नहीं ना, करो फिर पाओ पानी तू सिंक च। खुशबू अभी, ओ हेलो यार, के बंदा है। तो यहाँ हमने राइस कुकर को कर दिया ऑन और इसमें हमने डाल दिए मोमो स्टीम होने के लिए। मैं अनी के लिए बना रही हूँ ड्रिंक्स मॉकटेल। तो मॉकटेल के लिए मैंने सब कुछ रख लिया है, सिर्फ आइस क्यूब्स कम है, वो मैं फिर से लाऊंगी बनने के बाद थोड़ा। एकदम आलू पूरी तरह से तैयार हैं, इधर सामान तैयार है, यहाँ पे सब रेडी है, सब रेडी है। और ये लोग उठे तब ना उठ गए, शुगर 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 शुगर। तो गाइस यहाँ पे मेरे मोमोज भी गर्म हो गए हैं, ले आऊं ड्रिंक? वाओ देख सकते हो आप कितने अच्छे से स्टीम हुए हैं, वाओ बहुत गर्म हो गए हैं। निकल अंदर पे दिन ले लाओ, जिन्हें दीती जाओ निकलो, चलो चलो उठो, तुम तो निकल रहे हैं वास्ते इन साइज दी, चल चलो चलो जाओ। तो पंजाबी आले नहीं, तो पंजाबी है नहीं, तो पंजाबी आले फुफड़ा दा साहब नहीं कराई ने फुफड़ा आंदे हुंदे, आ निकल लिया जल्दी कर, तो जो लकर आए हो तो निकल नहीं कर। तो गाइस मैं लेके आ गई हूं ड्रिंक्स एंड मोमोस, क्लिक फोटो, चलो आ जा सारे भाई। फिर मोमोस फट क्यों गया? तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ ड्रिंक्स। इशु ए खोलो, इशु खोले भले खोलिया, बस बुड्ढे ने कम करी गले खराब होंदे नहीं है तुंदे, तुंदे कुछ गले खराब होंदे न, उंदे कन्नै भी गले खराब होई जंदे यार, कोई बंदा बनोगे ओह भी इक लिंके ने कम करदे भाई ने सारे दे साले जगह में। तो चलो भाई आ जाओ आ जाओ, चीयर्स। हमारे पास स्ट्रॉ नहीं है और हम लोग ना ऐसे चिमचे से हिला हिला के पियेंगे, स्ट्रॉ भी लिए शुभ नेक्स्ट टाइम। चलो 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 अपना अपना ग्लास पकड़ो, तुम इकड़ा तुम इकड़ा तुम इकड़ा, तो वो जीजा नहीं अगली वाला फोटो ले लाइव बनाए आ वाह, तो ये क्यों हुआ? चलो जाओ अंदर बैग तो गाइस हमने बनाया आज दम आलू और दाल, मुझे लगता है वो हमारे ऐसे पड़ी रहेगी, ये देख सकते हो आप। अनी ने 3-4 पोप पी दिए हैं पैग, राव दी गंद लगी है राव स्टाइल मारा, तो ही पता नहीं स्टाइल होंदे न मतलब ब्लॉक ही नहीं लोग दी देन, पागला बाल सीधे कर, कोई के पता पलकार आई गई है। आप लोगों ने खाना है, मतलब किसी को है थोड़ी सी स्पेस इतनी सी खाने के लिए?
मेरी कोई सुनी नहीं रहा, मतलब मैं कब से लगी थी ना खाना बनाने के लिए और इन्होंने कोई मतलब मेरी कदर नहीं पाई। ये एक ही 11 बजे ने खाना खाना था, फिर सोने को ले उठना को ले रौला आपके लिए चपाती बना दूं नहीं मरे 8 बजे ना है नहीं। अगर आपने मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर आपने खाना नहीं खाना था तो आपने मेरे को क्यों बोला कुछ स्पेशल बनाना मेरे लिए? खाना खा लो, मैं 12 बजे भी खिलाना, मैं पूरे दम आलू खिलाने चले जाऊंगा। ठीक है 10:15 भी देख रही, वो कौन सा टाइम लगेगा ना 10:15 होने में, जल्दी हो जाएंगे। हम लोग खा रहे हैं खाना और इधर देखो ठंड बड़ी लग रही है, बोल रहे ठंड बड़ी है आपके इधर। चलो उठ जा यार, तो कौन सा बच्चा है? तेरी तो मेरा गुड नाइट बोला, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, मिठो लगा श्वास होने लगा, तू हल्दी गया चुट मारा। आप और बताओ कैसे है सब? सब कैसे हो? आखिर लाइक किया करो वीडियो को, वीडियो को लाइक करो तो कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट थोड़े करना है, कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करो, शेयर करना नहीं, आप ए शेयर करना नहीं, आप शेयर करो, दस बच्चे नहीं लग दे जब जब खेत तक कमा देने में जाए बच्चे, दिखा कर करो वीडियो बात सुनो, बोल बोल बोल, वीडियो को शेयर करो, तेरी तो बोल, वीडियो को शेयर करो, तेरी तो उसी मच्छर अंडी मच्छर ले जाना, तू चुकी है इधर बैठ, उन्हें चुकी ले जाना मच्छर ना, तो छंड करानी उनके बेड़े फेंक देगा, उनके उनके घर में फेंक देगा मच्छर, फिर आपको पहले बोला आप चैनल को शेयर करो, आप शेयर करो, शेयर बोलो, शेयर शेयर करो, इन्ने करो मैं आप इन्ने करो ये दिखो इन्ने कितना इन्ने, और आप ऐसे करो ना, इधर ऐसे करो, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो हमारा अप्पू कैसा वो बताओ। ओ तेरी तो मच्छर, तेरी तो मच्छर, ओ तेरी मच्छर ना, ऐसे उठाना तेरे को उनके घर में फेंक देना जाके, मारना है तूने उसको। अब तू कितना क्यूट है नी, अब तू आप इतने सुंदर हो, मैं क्या करूं क्या करूं, तू इतना सुंदर है मैं क्या करूं क्या करूं, ले पूछी दे फिर तेल लगा, चल तेल लगा मम्मा को मालिश करा, मैं पूछा पूछ दे।